पहले ही मिल चुकी है तो ऑप्शन पर हम इस तरीके से क्या और कीटोन के ऑक्सीकरण के लिए भोपाल का नियम जो आपको बता दिया था उसके हम ज्यादा से ज्यादा उसी का बेटा फास्ट भी याद है सुनिए ताकत से एक्सपीरियंस हो उसके आगे की क्लास ये चल रही है आज आपकी। कल आपको जो कराया था उसमें कराया था कीटोन का मतलब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण और आज हम कर रहे हैं कीटोन का ऑक्सीकरण। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण में आपको वहां पर पहले टॉलेन अभिकर्मक और फ्रेलिंग विलियन से ऑक्सीकरण कराया था, उसके बाद आपको कीटोन का पॉपऑफ का नियम कराया था और पॉपऑफ के नियम के बाद बेटा कल क्लास हुई थी नगमा 12 बजे से क्लास आपकी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अब आगे देखें अपन। ये ऑक्सीकरण आपका सेलेनियम ऑक्साइड से ऑक्सीकरण है, शायद स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद नेक्स्ट अपना पॉइंट सेलेनियम ऑक्साइड से ऑक्सीकरण के बाद है कीटोनों का बेयर ब्लीगर ऑक्सीकरण। कीटोनों का
बेयर बिलीगर ऑक्सीकरण, बेयर बिलीगर ऑक्सीकरण। देखो बेयर बिलीगर ऑक्सीकरण पर अम्लों की वजह से किया जाता है। क्या था इसमें कि जब कीटोन का ऑक्सीकरण पर अम्ल से किया जाता है, तो किससे करते हैं, पर अम्लों से यदि हम करते हैं तो एस्टर का नंबर, किसका निर्माण हो जाएगा, एस्टर का। देखिए सिंपल सी कंडीशन है आर डैश सी ओ आर, हम इसकी रिएक्शन पर अम्ल से कराएंगे, मतलब परऑक्साइड उपस्थित, और ये जो ऑक्सीजन है इधर कूद के यहाँ आ जाएगा, और जैसे ही ये यहाँ आएगा तो आर डैश सी ओ ओ आर प्लस सी एस थ्री सी ओ ओ एच, ये क्या बन जाएगा, यहाँ एस्टर बन जाएगा, एस्टर और कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ पर बनता है। तो यहाँ इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका मतलब क्या कर लेते हैं, ऑक्सीकरण कर लेते हैं। ऑक्सीजन के प्रविष्ट होने का क्रम, देखो ऑक्सीजन किधर प्रविष्ट होगा, तो सबसे पहले हाइड्रोजन की साइड, उसके बाद फिनाइल ग्रुप की तरफ, उसके बाद 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्किल समूह। तो ऐसा नहीं है बेयर बिलीगर ऑक्सीकरण केवल और केवल कीटोन का होता है, ये एस्टर का भी होगा, बेयर बिलीगर ऑक्सीकरण हम किसका कर सकते हैं, एस्टर का, एल्डिहाइड का भी होगा, तो हम उसमें एल्डिहाइड का भी ऑक्सीकरण कर सकते हैं। सपोज मैंने आपसे कहा मैंने ये एक समूह यहाँ ले लिया और यहाँ इसकी रिएक्शन पर अम्ल से कर दी, तो ध्यान रहे पर अम्ल में परऑक्साइड समूह का ऑक्सीजन उसी साइड में जाएगा जिधर ज्यादा एल्किल समूह, सी एच थ्री सी ओ ओ सी एच टू सी एच थ्री प्लस सी एच थ्री सी डबल ओ। डाउट भाई कोई, ये आपके लिए क्या हो गया, बेयर बिलीगर ऑक्सीकरण हो गया। कृपया स्क्रीनशॉट ले लें, आगे देखें भाई। नेक्स्ट टॉपिक बेटा ऑक्सीकरण हो गया, अब ऑक्सीकरण के बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसमें अपचयन। फोन बज रहा है, केमिस्ट्री फर्स्ट बुक चल रही है, इनऑर्गेनिक। सेकेंड ईयर में तो कंप्लीट हो गया, हाँ जी। अपचयन में देखें, देखो भाई अपचयन जब हम करते हैं तो दो तरीके से होता है, या तो हम सीओ का अपचयन सी एच ओ एच में कर सकते हैं या सीओ का अपचयन सी एच ओ में कर सकते हैं, दो तरीके से। पहला हम इसमें पहली कंडीशन पढ़ते हैं CO का CHOH में अपचयन, इसमें पहला अपना यहां पर है उत्प्रेरकीय अपचयन, उत्प्रेरकीय अपचयन। देखो उत्प्रेरकीय अपचयन के आधार पर हम देखें
उत्प्रेर की है। अब चैन के आधार पर देखें तो हम क्या करते हैं कि जब एल्डिहाइड तथा कीटोन की अभिक्रिया, किस किस की अभिक्रिया करा रहे हैं हम, एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया, एच टू से निकल पीटी या पीडी की उपस्थिति में करते हैं। तो एल्कोहल प्राप्त, पी डबल बॉन्ड ओ, यहां हमने निकल पीटी पीडी ले लिया और यहां हमने एच टू ले लिया, ये बॉन्ड टूट जाएगा, एच इधर एच इधर सी एच ओ एच, क्या बन गया ये एल्कोहल बन गया। सिंपल रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नॉमिनल केस है, लेकिन करना क्या है, एच टू से रिएक्शन करनी है और किसके साथ में, किसके साथ मतलब किसकी उपस्थिति में करनी है, ये केवल और केवल किसकी उपस्थिति में करेंगे हम ये रिएक्शन करेंगे, लेकिन किसकी उपस्थिति में रिएक्शन की जाएगी, निकिल पीटी और पीडी की उपस्थिति में। मोहित बेटा आप सही दिख रही होगी शायद, आगे देखिए, धात्विक हाइड्राइडों से अपचयन, धात्विक हाइड्राइडों से अपचयन क्या होगा कि हम क्या करते हैं, धात्विक हाइड्राइडों से अपचयन करते हैं, CO समूह का अपचयन किया जाता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम क्लोरोहाइड्राइड, साथ में इनके जल अपघटन भी होता है, H2O भी होता है। जब रिएक्शन होगी यहाँ दो H आएंगे और दो H आने के बाद हम इसको क्या कर देते हैं, ये बॉन्ड टूटेगा H इधर H इधर, क्लियर, देख नहीं रहा हमको, बंद कर दो उसको, क्लियर आ रहा है, हाँ जी क्लियर भाई। तीसरा है चयनात्मक अपचयन, चयनात्मक अपचयन, चयनात्मक अपचयन से मीनिंग क्या है, यहां पर हम क्या कहना चाहते हैं चयनात्मक अपचयन में, देखो समझना रिएक्शन को, रिएक्शन से समझ में आएगी कहानी इसकी। मैंने यहाँ एक यौगिक ले लिया और मैंने इसका अपचयन किया, अपचयन किससे कर रहे हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से और दूसरी बार सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक प्रबल अपचायक जो सीओ समूह के साथ साथ सी डबल बॉन्ड सी को भी क्या कर देता है, अपचयित कर देता है। तो जब ये रिएक्शन करेगा एक एच इधर ये करेगा एच इधर एच इधर, ओवरऑल पूरा कंपाउंड टूट जाएगा CH3CH2CH2 और CH2। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड केवल और केवल CO ग्रुप का अपचयन करेगा, इसका अपचयन नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये सैचुरेशन को खत्म नहीं करेगा, सैचुरेशन प्रॉपर्टी अनचेंज्ड रहेगी, लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप किसमें बदल जाएगा, एल्कोहल में बदल। ये क्या है, इसका चयनात्मक अपचयन है। तो एक बार बेटा स्क्रीनशॉट इसका लें, क्या
लेकिन अगली रिएक्शन इसमें है मिरवाइन कॉन्ड्रॉप बर्ली अपचयन एमपीवी अपचयन कौन सा अपचयन है जी एमपीवी अपचयन है। देखिए जब कीटोन की अभिक्रिया कीटोन का ही होगा और किसी का नहीं होगा केवल की अभिक्रिया एल्यूमिनियम आइसो प्रोपॉक्साइड की उपस्थिति में एल्यूमिनियम आइसो प्रोपॉक्साइड की उपस्थिति में आइसो प्रोपिल एल्कोहल से की जाती है। तो आइसो प्रोपिल एल्कोहल से की जाती है तो एल्कोहल कीटोन एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। इसमें चेंज होगा एल्कोहल में चेंज हो जाएगा। आपको यदि याद हो तो आपको कुछ दिन पहले ओपेनहोयर ऑक्सीकरण कराया था। ओपेनहोयर ऑक्सीकरण आपको कराया था आपकी ऑनलाइन क्लास लगेगी केवल ऑफलाइन। क्या कराया था आपको ओपेनहोयर ऑक्सीकरण कराया था और ओपेनहोयर ऑक्सीकरण के अकॉर्डिंग आपने वहां पर सेकेंडरी एल्कोहल को कीटोन में बदला था। उसका जस्ट अपोजिट रिएक्शन है एमपीबी मिरवाइन कॉन्ड्रॉप बर्ली करते क्या है कीटोन लेती है हम यहाँ पर रिएक्शन आइसोप्रोपिल एल्कोहल से कर देती है एल्यूमिनियम आइसो प्रोपॉक्साइड की उपस्थिति में। जैसी अभिक्रिया करेंगे भैया ये तो ये दो निकल जाएंगे इस पर आएंगे ये टूटेगा एक एचदार एक एचदार क्या बन गया आर सी एच ओ एच आर डैश प्लस सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री क्या बन गया आइसो प्रो मतलब ये क्या बन गया सेकेंडरी एल्कोहल और ये क्या बन गया आइसो प्रो सॉरी एसीटोन बनेगा क्या सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा और साथ में एसीटोन बन जाएगा। ये क्या है मिरवाइन कॉन्ड्रॉप बर्ली अपचयन। हाँ जी कोई प्रॉब्लम भैया इसमें अगली इसमें अपनी कंडीशन है CO का CH2 में अपचयन। अब हम क्या कर रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन से हाइड्रोकार्बन का निर्माण कर रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन किस तरीके से बनेगा जिसमें पहली रिएक्शन अपनी कौन सी है क्लिमेंसन अपचयन। क्लिमेंसन अपचयन यदि देखें अपन तो क्लिमेंसन अपचयन क्या होगा जब एल्डिहाइड तथा कीटोन की अभिक्रिया जिंक प्लस जिंक अमलगम जिंक एचजी तथा सांद्र एचसीएल से की जाती है तो हाइड्रोकार्बन का निर्माण होगा। किसका निर्माण हो जाएगा भैया हाइड्रोकार्बन का कैसे होगा सी डबल बॉन्ड ओ प्लस जिंक अमलगम सांद्र एचसीएल क्या बन जाएगा यहाँ चार एच यहाँ मिल जाएंगे ये टूटेगा दो एच इधर
क्या बनेगा? सी एच टू प्लस एच टू क्या बन जाएगा इसके यहाँ पर? हाइड्रोकार्बन का निर्माण होगा, हाइड्रोकार्बन यहाँ फॉर्म होगा। ठीक भाई, तो क्लिमेंसन अपचयन में हम किसका यूज करते हैं? जिंक अमलगम और सांद्र HCl का अपन यूज करते हैं। नेक्स्ट, इसमें अपन अपचयन करें किसी का भी, कोई भी एल्डिहाइड ले लो, चाहे कीटोन ले लो। फॉर एग्जांपल अपन बात करें CH3COH, H2O। ठीक है, सेम कंडीशन, कोई डिफरेंस गलत कर दिया ना, H2 निकलेगा यहाँ पर CH3CH3। क्लियर बेटा? स्क्रीनशॉट ले लें इसका।